मजलिस चैरिटी एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से आज मसाजिद, मनादिर, गुरुद्वारे और चर्चों के लिए टच फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स फरहाम किए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम में आज एक इजलास मुनक्किद करते हुए सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों 220 छोटे और 28 बड़े टच फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स मसाजिद, मनादिर, गुरुद्वारे और चर्चों के इंतजामिया को फरहाम किए गए, जिसकी जुमला लागत तकरीबन 20 लाख रुपए बताई गई है। इस मौके पर मजलिसी अरकान असेंबली के अलावा हैदराबाद और उसके अतराफ के इलाकों में मौजूद सभी मजहबी इबादतगाहों के इंतजामी कमेटी के अरकान मौजूद थे। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसील बताई और मजहबी मकामात के इंतजामिया कमेटियों से भी साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील की। तो ये कम इंशाल्लाह कम से कम एक महीने तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी मस्जिद जो मस्जिद कमेटी और मंदिर और चर्च गुरुद्वारा के लोगों को ये कमेटी इसको दिया जा रहा है, मेरी उनसे गुजारिश है कि इसको इस्तेमाल करिए और जब ये खत्म हो जाएगा तो उसको रिफिल भी कराइए। अब तो हम जो दे रहे हैं एक महीना चलेगा इंशाल्लाह आपको, मगर इसको म्यूजियम में रखने का नहीं है, इस्तेमाल करना है और ये बहुत जरूरी है कि आपके पास, मगर इसको इस्तेमाल करिए और ताकि हम अपनी इबादतगाहों को साफ सुथरा और पाक रख सकें, वहां पर आने वालों को उनकी जान की और इस वायरस से उनकी हिफाजत हो सके। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि दीगर तंजीम, दीगर जिम्मेदारान भी इस तरह की कोशिश करेंगे, अपनी अपनी इबादतगाहों के पास इस तरह का इंतजाम करेंगे, सैनिटाइजर रखेंगे और हमको मिलकर इस वायरस का मुकाबला करना है। ये बड़ा खतरनाक तरीके से वायरस फैल रहा है। अस्पताल में आप देख रहे हैं पूरे मुल्क के अस्पतालों में इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि हमारे मुल्क में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जो इस तरह के वायरस का मुकाबला कर सके। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको मिलकर इसका एहतियात से काम करना है और मैं तो समझता हूं कि ये एक नॉर्मल हो जाएगा कि हर एक को अपने चेहरे पर मास्क लगाकर काम करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना पड़ेगा। इस मौके पर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे और चर्चों के इंतजामी कमेटी के अरकान ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस पार्टी के इस कदम की सताइश की। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज यहाँ पे हम दारुसलाम में एमआईएम हेडक्वार्टर्स मौजूद है। आज हमारे एमपी साहब ने जितने भी उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में हैदराबाद शहर में जीएचएमसी लिमिट्स में सभी धर्मों के इदारों को बुला के सैनिटाइजर्स मशीन्स एंड उसका सैनिटाइजिंग किट पूरा दिया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है असदुद्दीन साहब की। इन्होंने ये कोरोना वायरस को लड़ने के लिए आज से जो हमारे धर्म स्थल सब धर्म स्थल खोल रहे हैं, आज से वहाँ पे स्वच्छता और सैनिटाइजिंग करने के लिए जो इन्होंने किट दे के ये जो उनकी सोच है बहुत ही अच्छी सोच है और सभी धर्मों को लेकर जो चल रहे हैं वो साथ उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी सोच के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एमपी साहब जिनकी ये सोच है कि हमारे धर्मस्थल सबके धर्मस्थल साफ सुथरे और स्वच्छ हो, इस कारण उन्होंने आज सभी धर्मस्थलों को बुला के उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के ये किट दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी सोच बहुत अच्छी है और हम सभी से गुजारिश करते हैं, सभी धर्मों से गुजारिश करते हैं कि अपने अपने धर्मस्थलों पर स्वच्छता बना कर रखें और इस कोविड से हम सब जीत पाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर ये किट है सर, किट भी ऊपर है सामग्री वर्ग जो ऐसे तो ऐसी है। बहुत खुशी लगी, बहुत खुशी की बात है। क्या जब भी हुआ कि शहर में जो अच्छा बुरा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी लगी रात उनको शुक्रिया अदा शुक्रिया बोलना सर हमें यहाँ पर थोड़ी मिल रहा है नगर ये सब जो है बहुत अच्छे एकदम पूरा लग रहा है बुला के दी बहुत खुशी की बात है। इसलिए मैं सहमति हमका बड़ा भाई हमें ये बताइए कि अब तक कोई पॉलिटिशियन ऐसा ये आवाज़ इसके बारे में नहीं दिया था जी, तो आज मैं पार्टी की जानिब से आपको ये किया है उसके लिए क्या करेंगे? मैम पार्टी तो अभी से नहीं है, मैं बचपन से मैं 500 साल से मंदिर में रह रहे हूँ, पुजारी हूँ, मेरा एट जनरेशन है। अब से नहीं है मैम पार्टी ये लगा हमारे बचपन से, मेरे बचपन से हमारे दादा दादी से भी हम लोग पूरा कॉपरेट करते आ रहे,
एस एस साहब एंड हमारे सोहेल कादरी साहब एंड एरिया के एमएलए साहब एंड ये पूरे लोग हमारे दस साथ देते और दस सेकुलर पार्टी है हमारे एस एस साहब की। मैं एस एस साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो पुजारियों को गुरुद्वारा लोगों को और हमारे चर्च के लोगों को पूरे को मैं सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। अकबरुद्दीन सी एम पी गारे अकबरुद्दीन सी एमएलए वीलिदर एम एम पार्टी चाल वरक बसनी अन्नी रकल सहायता तरह अन्नी रकल सहायता अंदर कल इंडिविजुअल कल अन्न मतलब को सामान का मत चाल सतोषमें वीलो पड़ती कल कल देवाग्रह मत भेदमेंट का चाल चाल बहुत अभिवृद्धि वरकू असभिवृद्धि वरक चाल धन्यवाद चलत चाल सतोष की इच्छा चाल सतोष मैं श्रीयाल श्री आज हमारे बहुत खुशी है। हम मेदीपट्टनम गुडी मलकापुर मेथडिस्ट चर्च आए हुए नामपल्ली कॉन्स्टेंसी हमारा जाफर मेहराज हुसैन साहब आज यहाँ पे एम आई एम ऑफिस हेड ऑफिस पर ब्लॉक के एम पी साहब से चर्च में यूज करने के लिए सैनिटाइजर का जो मशीन है ये हमारे को दिए हुए है। हमारा चर्च से गुडी मलकापुर मेथडिस्ट चर्च से हम और हमारा चर्च का सेक्रेटरी साहब आर भास्कर अंकुल ट्रेजर साहब पी एम भास्कर अंकुल और हमारे चर्च मेंबर्स सोलोमन प्रवीण हम सब मिल के यहाँ पे दारुसलाम आए एम पी साहब के बुलाए थे तो हम लोग आके बहुत खुशी है। आज ये लॉकडाउन के टाइम पे ये कोरोना जो देश में फैला हुआ है इसको अंदाजा लेके साथ आज एक अच्छा चर्चेस मंदिर मस्जिद गुरुद्वार और जो भी आज से स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट हमारे को रिलीज करे उसके बाद से कैसा प्रोटेक्ट कर लेना चर्च में आए से लोगों को कैसा करना आप कैसा मेंटेन करने के लिए एक मिशन के अंदर हमारे को साथ दिए। ये मिशन से हम बहुत खुश है क्यों बोले तो फर्स्ट टाइम इतना लॉकडाउन के टाइम में भी कोई अभी तक कौन सा पार्टी वाला भी आके हमारे को कुछ भी हम है बोल के कोई भी नहीं आए। फर्स्ट टाइम हम बहुत खुश है असदुद्दीन एम पी साहब के लिए क्यों अकबरुद्दीन अवैसी साहब के लिए क्यों बोले तो आज हमारा नामपल्ली एमएलए साहब जाफर मेहरा हुसैन साहब है तो साहब को हमारे को हमेशा आके परसों हमारा पास्टर साहब लोगों को भी सब लोगों को नामपल्ली में जितते हैं सब लोगों को आके लॉकडाउन के टाइम में राशन सब लोगों को दिया है पास्टर साहब को इसलिए पास्टर साहब लोग सब लोग हम लोग बहुत खुश है। ये मिशन देने के लिए हमारा चर्चेस जितने भी है मेथडिस्ट चर्च गुडी मलकापुर हमारा सब लोग आपको धन्यवाद कर रहे हैं। उनको जीएस और ब्लेसिंग करके और ऊपर बढ़ाना बोल के हमारा प्रेयर्स है। थैंक यू।